बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना के भाग एक में हमने भूमि के बंदोबस्तों के बारे में पढ़ा। भाग दो में हम पढ़ेंगे कि कंपनी ने कैसे उन फसलों को उगाने की ओर ध्यान दिया जिनसे उनको राजस्व मिल सके और जिनकी यूरोप में ज्यादा मांग थी। जब ग्रामीण इलाके खाली होने लगे तो कंपनी ने कुछ और सोचा। कंपनी ने अपना ध्यान ऐसी फसल लगाने पर केंद्रित किया जिनसे उन्हें ज्यादा राजस्व मिल सके और जिनकी यूरोप में ज्यादा मांग थी। कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से किसानों को फसलें लगाने के लिए दबाव डालती थी। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसानों को फसलें लगाने के लिए मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। बच्चों, एक चीज और थी जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी, वह था नील, जो कपड़ों को रंगने के काम आता था। भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु नील की खेती के लिए उचित थी। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोप पहुंचता था। यूरोप में एक वोड नामक पौधे से रंग तैयार किया जाता था, लेकिन वोड से तैयार रंग बहुत ही बेजान और फीका होता था, इसलिए नील की मांग अधिक थी, क्योंकि नील से बहुत ही चमकदार नीला रंग मिलता था। यूरोप के वोड उत्पादकों ने एक बार अपनी सरकार से नील के आयात पर पाबंदी लगाने की मांग की, क्योंकि वोड से बनाया रंग भारतीय नील का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। नील के कारण वोड की बिक्री यूरोप में नहीं हो पा रही थी। आगे हम चर्चा करेंगे कि नील की खेती और कहां कहां हो रही थी। सबसे पहले बात करेंगे कैरेबियन आइलैंड स्थित सेंट डोमिंग्यू की, जो फ्रांस के अधीन था। फ्रांसीसी अफ्रीकी गुलामों को यहाँ लेकर आते थे। गुलामों से कैरेबियन टापू में बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। इस टापू की जलवायु नील उत्पादन के लिए उपयुक्त थी, लेकिन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी मजदूर 1791 में
बगावत पर उतर आए। मजदूरों ने खेतों तथा कारखानों को जला दिया। इसके पश्चात फ्रांस ने किसी भी तरह की गुलामी को बढ़ावा नहीं दिया। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं के कारण कैरिबियन द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। अब नील उत्पादकों के लिए भारत ही एक विकल्प था, क्योंकि भारत की जलवायु नील उगाने के लिए उपयुक्त थी। तो सभी ने नील उगाने के लिए अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सन 1810 तक ब्रिटेन 95% नील बंगाल से आयात करता था, तो बाकी सभी उत्पादकों ने भी बंगाल की ओर रुख किया। जब यह भारत में नील उत्पादन के लिए आए तो इन्होंने नील उत्पादन के कुछ तरीके अपनाए। यह दो मुख्य तरीके थे, निज और रैती। नील उत्पादन के तरीके। निज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत उत्पादक एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा खरीदता था, किराए पर लेता था, फिर मजदूरों से खेती करवाता था। दूसरी व्यवस्था रैती व्यवस्था थी। इसके तहत उत्पादक ना तो जमीन खरीदता ना ही किराए पर लेता था। वह रैयत या गांव के मुखिया को उधार देता था और उससे आश्वासन लेता था कि वह अपनी जमीन का 25% हिस्सा केवल नील उत्पादन की खेती के लिए रखेगा। दोनों मिलकर समझौता करते थे। अगर रैयत अपने आप नील उगाने का खर्चा नहीं उठा सकते तो उन्हें कर्जा दिया जाता था। बदले में नील बेचने के बाद कुछ मुनाफा रैयत को दे दिया जाता था। लेकिन इन व्यवस्थाओं को चलाने में भी रैयतों को कई कठिनाइयां आ रही थी, आगे उसकी चर्चा करेंगे। नील उत्पादकों की कठिनाइयां। कमाई कम थी। चावल की खेती के लिए जमीन उपजाऊ नहीं रही। रैयत कभी ना खत्म होने वाले उधार में फंस गए। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही होती थी। ऐसे क्षेत्रों में पहले ही आबादी बहुत ज्यादा थी, इसलिए खेती के लिए बड़ा क्षेत्र नहीं मिलता था। मजदूरों की व्यवस्था करना भी कठिन था। बार बार नील की खेती करने से जमीन की उर्वरता भी कम हो रही थी, क्योंकि नील के पौधों की जड़ जमीन में बहुत नीचे तक जाती है, जिससे मिट्टी में खनिज नहीं ठहर पाते। नील लगाने के बाद उसी मृदा में चावल लगाने संभव नहीं थे। नील उत्पादन के लिए उधार देते थे, लेकिन किसान सारा उधार एक ही बार नहीं चुका पाते थे, इसलिए वह
कर्ज के इस चक्कर में फंसते चले जा रहे थे। इन सब कारणों से किसान विद्रोह पर उतर आए। इस विद्रोह को नील विद्रोह का नाम दिया गया। मार्च 1859 को बंगाल के किसानों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ना तो उनकी आय हो रही थी, कभी ना खत्म होने वाले कर्ज में वह फंसते जा रहे थे और उनकी जमीन की उर्वरता भी समाप्त हो रही थी। विद्रोह को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगने लगा कि कहीं उनको भी बंगाल छोड़कर जाना ना पड़े। खेती लगाने वालों को सुरक्षित करने के लिए कंपनी ने कुछ जगह पर सेना लगाई। हालात इतने बिगड़ गए कि यह बात रानी विक्टोरिया तक पहुंच गई। रानी विक्टोरिया ने एक हुक्म जारी किया। यह हुक्म 12/7 पश्चिम बंगाल के जज को दिया कि रैयत को नील की खेती करने के लिए बाधित ना किया जाए और ना ही उन्हें नील नियम पत्र पर समझौता करने के लिए दबाव डाला जाए। मतलब रैयत को नील उगाने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन रानी विक्टोरिया का फरमान रैयत तक गलत ढंग से पहुंचा। रैयतों को लगा कि हमें अगले पिछले सभी नियमों तथा समझौतों से आज़ाद कर दिया गया है और नील की खेती ना करने का हुक्म दिया है। स्थिति में सुधार लाने के लिए नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। आयोग ने यह भी पाया कि नील का उत्पादन रैयतों के लिए मुनाफे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से चल रहे अनुबंधों को पूरा करने के लिए कहा, लेकिन भविष्य में उन्हें हक दिया कि वह अपनी मर्जी से समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उन्हें कोई बाधित नहीं करेगा। इन सब गतिविधियों का नतीजा यह हुआ कि बंगाल में नील का उत्पादन बंद कर दिया गया और बागान मालिक बिहार में नील का उत्पादन करने लगे। बंगाल में उत्पादन बंद करने का एक कारण यह भी था कि तब तक बाजार में कुछ कृत्रिम यानी सिंथेटिक रंग भी आने लगे थे। लोगों ने उन्हें खरीदना शुरू कर दिया, जिससे नील की मांग में कमी आई। बंगाल के बाद बिहार में भी कुछ समय बाद वैसा ही विद्रोह हुआ, क्योंकि जब बिहार के किसानों का नुकसान हुआ तो उन्होंने भी विरोध किया। बिहार के एक किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए बुलाया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि कैसे कंपनी ने नील, अफीम, गेहूं, चावल, पटसन आदि फसलों को लगाने की तरफ ध्यान दिया। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि नील उत्पादन में क्या क्या कठिनाइयां आई। हमने यह भी जाना कि नील उत्पादन
क्यों बंद हुआ और नील विद्रोह क्यों हुआ। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। क रयत, ख महल, ग निज, घ रयती। नंबर एक ग्राम समूह, नंबर दो किसान, तीन रयतों की जमीन पर खेती, चार बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। उत्तर है रैयत किसान, महल ग्राम समूह, निज बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, रैयती रैयतों की जमीन पर खेती। प्रश्न नंबर दो, रिक्त स्थान भरें। यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को रिक्त स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। चावल, नील। उत्तर है यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। ख 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग रिक्त स्थान के कारण बढ़ने लगी। औद्योगिकीकरण, बोर्ड। उत्तर है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगीकरण के कारण बढ़ने लगी। ग रिक्त स्थान की खोज से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम रंग, बोर्ड। उत्तर है कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। घ चंपारण आंदोलन रिक्स्तान के खिलाफ था। नील बागान मालिकों, अंग्रेजों। उत्तर है चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन किस बंदोबस्त के पहलू हैं। क राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ख किसानों से लगान वसूलने और कंपनी राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ग उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। सही का निशान लगाकर उत्तर दें। नंबर एक महलवारी व्यवस्था, नंबर दो स्थायी बंदोबस्त, नंबर तीन रैयत बारी बंदोबस्त। उत्तर है नंबर दो स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर दें। किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन बंद हो गया। क फसल कटने पर उन्हें बहुत कम कीमतों पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। ख रायतों को उनकी फसल की बहुत कम कीमत मिलती थी। ग नील की फसल जमीन की उर्वरता को कम कर देती थी। घ कर्जा नहीं दिया जाता था। उत्तर ख और ग। प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया। क
कॉर्नवालिस, ख थॉमस मुनरो, ग हॉल्ट मैकेंजी। उत्तर क कॉर्नवालिस। प्रश्न, महल बारी व्यवस्था का प्रचलन किसने आरंभ किया? क हॉल्ट मैकेंजी, ख चार्ल्स कॉर्नवालिस, ग थॉमस मुनरो। उत्तर क हॉल्ट मैकेंजी। प्रश्न, रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने प्रचलित की? क चार्ल्स कॉर्नवालिस, ख हॉल्ट मैकेंजी, ग थॉमस मुनरो। उत्तर थॉमस मुनरो। प्रश्न, चंपारण किस राज्य में है? क बिहार, ख बंगाल, ग उत्तर प्रदेश। उत्तर है क बिहार। प्रश्न, नील किस पौधे से बनाई जाती थी? उत्तर क नीलगिरी, ख कपास, ग नील। उत्तर है ग नील। बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और आपको इतिहास के बारे में नई जानकारी मिली होगी।